देखिए, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सत्ता पक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष सवाल उठाए, प्रश्न करे और सरकार को उनका उत्तर देना है, पर विपक्ष सदन का वॉकआउट करके चला जाए वो अच्छी परंपरा नहीं। अच्छा है कि आज वो आए, और मैंने तो पहले उठकर कह दिया कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाना चाहता है उनको उठाने का पूरा मौका दीजिए, पर विपक्ष सनसनीखेज मुद्दे उठाकर अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और बिना तर्क के बात करता है तो उससे सदन का माहौल गर्मा जाता है और निश्चित तौर पर वो कोई ना कोई बहाना पकड़ के वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं। आज प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी, हमने कहा आप खुल के रखिए, और उन्होंने अपनी बात को रखा और उसके बाद अभी सदन की कार्रवाई चली। प्रश्न उत्तर के समय भी ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि क्वेश्चन आवर के समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय ने अपने विवेक का परिचय देते हुए विपक्ष के नेता को क्वेश्चन आंसर से पहले ही उनको अपनी बात रखने का मौका दिया, माहौल बना और सदन चला। ये अच्छी बात है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं, हर एक मुद्दे पर सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष को चर्चा से भागना नहीं चाहिए, अपने मुद्दे उठाने चाहिए। सर, सैलरी का इंतजार है, सैलरी डेट पे वो इंतजार कर रहे हैं, डेफर करने का क्या कारण रहा है? और साथ में ये नहीं, अभी सैलरी के मामले में मैं विधानसभा में अंदर सभा पटल पर एक स्टेटमेंट दूंगा, और ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है, जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है, और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है, जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाएगा। शराब घोटाले की उस पर आपने जवाब दिया नहीं, आप शब्दावली का आप भी ठीक प्रयोग नहीं कर रहे। विपक्ष ने आरोप लगाया, उन्होंने स्पीकर महोदय ने कहा ना, तो उसको थोड़ा सा ख्याल रखिए। तो ये चीजें जो आप कहते हैं, पहले इसकी स्टडी करनी चाहिए आप लोगों को। जो रिजर्व प्राइस होता है उससे कम बोलियां पहले भी नियमों के मुताबिक आती है, 5 जगह ठेकों की नीलामी की बात हुई थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसका हमने जवाब दिया, क्योंकि उस समय वो कल भी वॉकआउट था, 2 दिन से जवाब था, तो हमने 1 साल में 485 करोड़ रुपये शराब की बिक्री से कमाए, और जो भारतीय जनता पार्टी है 5 साल के 665 करोड़ रुपये कमाए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किसमें कहाँ नियमितताएं हैं। आर्थिक संकट हुआ है, इसकी बड़ी वजह कांग्रेस की गारंटी है। फिर मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक संकट नहीं है भैया, अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उभर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं, अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है, और इसमें फैसले किए जाएंगे। आर्थिक संकट कब होता है? देखिए, आपने कहा है वो जयराम ठाकुर जी को आना चाहिए ना, हमने तो बोला कि पहला मुद्दा उनका है, हम चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन पर ये विपक्ष चर्चा करे, हमने तो सरकार की तरफ से लाया, किसी भी नियम के तहत करे, हम जनता की को भी बताना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया, बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, 600 के करीब शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए, इन सब चीजों को अगर वो चर्चा लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हमारे द्वारा चर्चा लाई जाएगी,
और हम जनता को बताना चाहते हैं, हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जब कोई नीतिगत फैसले नहीं होते तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का उसका अगर क्या प्रभाव पड़ता है। जो इनकम टैक्स देता हो, जो 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देता हो, उसको मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, मुफ्त का पानी नहीं चाहिए। इन्होंने बिना सोचे समझे बिजली पानी मुफ्त का उन लोगों को दे दिया जो लोग देने अपने पैसे से पानी भी खरीदना चाहते थे, बिजली भी खरीदना चाहते थे। किसको मुफ्त में मिलनी चाहिए? जो गरीब है उसको मुफ्त में मिले, कोई दुख नहीं है, चाहे पानी है चाहे बिजली है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जयराम जी ने जो 5 साल इस प्रदेश के खजाने को लुटाया है, उस दृष्टिकोण से उन्हें चर्चा लानी चाहिए। हमारी सरकार किसी भी नियम के तहत उन चर्चा को तैयार करने के लिए तैयार। सर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर क्या कदम उठाया सरकार ने अब तक? देखिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन को उठाने का मजबूत करने के लिए और उठाने के लिए राजस्व में वृद्धि करने के लिए हमने प्रमुख कदम उठाए हैं। उसमें सबसे बड़ा कदम जो है वो जो बिजली है, जो लोग बिजली का बिल देना चाहते हैं, कई लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं, तकरीबन काफ़ी लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि हम बिजली का बिल देना चाहते हैं और हमारे से बिजली का बिल लिया जाए। उनको हम अपने दृष्टिकोण से चरणबद्ध तरीके से बिजली के बिल में 1 रूपता लाकर उसको कम करेंगे। पानी में मिनिमम हमने 100 रुपया पानी के बिल का कर दिया, लेकिन उन परिवारों के लिए नहीं जिनकी परिवारों की 50,000 रुपये से इनकम कम है, उनसे 100 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बसेस में जो हमारा थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं उसमें बढ़ रहे हैं। और तीसरा, हम अपनी अर्थव्यवस्था में शराब के ठेकों की नीलामी से जो हमें रेवेन्यू आ रहा है, इस साल 150 करोड़ का अधिक राजस्व आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ड्रेन होती रही है। तो और भी कई, जैसे डीजल के में हम और बढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को बढ़ाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण